भारत आदिवासी पार्टी जो झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पहली बार भाग्य आजमाने जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी और राज्य प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य के 9 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इन 9 सीटों में से 7 सीट एसटी और 2 सीट सामान्य है। सीटों की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पहली बार आदिवासी विचारधारा के साथ चुनाव में उतरेगी। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी का मानना है कि आदिवासियों की जो मांग है उसे सदन में जाकर पार्टी के विधायक ही उठाएंगे, क्योंकि कई पार्टी आदिवासियों के मुद्दों को मैनिफेस्टो में जगह तो देती है लेकिन उनके विषय पर सदन में चर्चा तक नहीं करती। भारत आदिवासी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम झारखंड में इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता ने भारत आदिवासी पार्टी को बड़े उत्साह से ग्रहण किया है और इसीलिए हम लोग भी उत्साहित हैं। हम लोगों ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के उन सभी सीटों पर लड़ेगी जहां हमारा पार्टी का आधार बन चुका है। आज हम पहली सूची जारी कर रहे हैं जो हमारी केंद्रीय समिति से अप्रूव होके आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्देश एवं राज्य प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित झारखंड विधानसभा 2024 में भारत आदिवासी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की गई है और उसके साथ साथ जो विशेष हमारा मामला है कि भारत भूमि की ऐतिहासिक पुरखाई व्यवस्था, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो विरासत गणतंत्र के आधार पर बनाई गई है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली द्वारा तय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ही सिलेक्शन और इलेक्शन करे, ऐसा हमारा मानना है। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान विचार को आत्मसात करते हुए केंद्रीय एकीकरण समिति द्वारा निर्देशित एवं झारखंड राज्य प्रदेश कमेटी द्वारा अनुमोदित झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव 2024 में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाती है। पहला है तमाड़ क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं प्रेम शंकर शाही मुंडा, उर्फ प्रेम शाही मुंडा। दूसरा पोटका 46 रिजर्व एसटी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं महीन सरदार। तीसरा हटिया 64 जनरल सीट है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं कुंदर सिंह मुंडा। चौथा मनोहरपुर 55 रिजर्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं सुशील बारला। पांचवा जुगसलाई 47 एससी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कार्तिक मुखी जी। छठवां घाटशिला 45 एसटी रिजर्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं इंद्रजीत मुर्मू। सातवां जमशेदपुर पूर्वी, ये भी सामान्य सीट है, जनरल सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णा हंसदा। आठवां है खिजरी 62 एसटी रिजर्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं अजय कच्छप। नौवां मांडर 66 रिजर्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी जगरे उरांव जी हैं। तो इस प्रकार से ये 9 विधानसभा सीटों की पहली सूची आज पार्टी के द्वारा जारी हो रही है। हम लोग दूसरी सूची कल तक हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे।